नमस्कार दोस्तों, मैं तारा सैनी आपका अपने YouTube चैनल नम्रता किचन ब्लॉग्स में आज फिर से स्वागत करती हूँ। और गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ मोमोज जो चटपटे होते हैं और हम सभी को अच्छे लगते हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि मैंने मोमोज के लिए क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी गाइस, हमारी जो दुकान में बड़ी बिकती है उसका जो चूरा है, ये देखिए ये चूरा बचा है, मैंने इसको फूलने के लिए डाल दिया है। और यहाँ मैंने एक कटोरी में लिया है मैदा थोड़ा सा, और यहाँ पर कटी प्याज, हरी मिर्च और ये मसाले का पैकेट। गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बड़ी के बुरादे को निचोड़ लिया है, और यहाँ पर मैदा रखा है, और यहाँ पर ये हरी मिर्च, कटा बारीक प्याज है, और ये मसाले का पैकेट है। और यहाँ पर ये कढ़ाई रखी है, इसमें पहले से ऑयल है, मैं इसमें थोड़ा सा तेल और डालूँगी मोमोज के मसाले को तैयार करने के लिए, फ्राई करने के लिए। गाइस मोमोज़ को बनाने के लिए हमें ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बस प्याज, हरी मिर्च और कुछ मसाले डल जाते हैं जो खुशबू के लिए होते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, बस इतना ही काफ़ी है। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ तड़के में सबसे पहले डालने के लिए जीरा लिया है, और मैंने साबुत दानेदार धनिया लिया है, इससे ज़रा स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो देखिए मैंने धनिया और जीरे को डाल दिया है ऑयल में, देखिए इसको इस तरह चला देना है। इसके बाद हमें इसी के अंदर प्याज और कटा हरी मिर्च को ऐड कर देना है, और हल्का सा ब्राउन कलर देना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का कच्चा रहना है। इसी के अंदर गाइस हम प्याज को ऐड करना है। मोमोज के अंदर गाइस हम बंद गोभी को भी डाल सकते हैं कद्दूकस करके, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मेरे पास यहाँ बंद गोभी नहीं है। बंद गोभी जो पत्ता गोभी होती है हरी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो गाइस देखिए मेरा छोटा सा किचन है, बस मैंने इसी के अंदर सामान को एडजस्ट कर रखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी किचन के अंदर काफ़ी काम होने वाला रह गया है। गाइस देखिए मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, हल्की सी हम इसमें मिर्ची डालेंगे, और ये मसाला है, इसे हमें ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है ताकि जो मोमोज के अंदर खुशबू वो बहुत अच्छी आए। गाइस अगर आप हरी मिर्च डालना चाहते हैं तो ही डालिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों के मुंह में अगर मोमोज में हरी मिर्च आ जाती हैं तो बच्चों को मिर्चें लगती हैं। मैंने मसाले के अंदर बरी के बुरादे को डाल दिया है, अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, और थोड़ा 2 मिनट तक हमें इसको भूनना है। धीमी आँच पर हमें लगातार इसको चलाते रहना है। हम इस मसाले के अंदर मैगी मसाले को भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि मोमोज का जो हम ये तैयार कर रहे हैं बेस, इसके अंदर हम मैगी मसाले का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो गाइस 2 मिनट हो चुके हैं, और मोमोज के अंदर भरने वाला जो मसाला है हमारा वो तैयार हो चुका है। अब हमें गूंदनी है मैदा। तो गाइस यहाँ एक परात में मैंने मैदा को डाल लिया है, कि देखिए गाइस मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक कटोरी मैदा ली है, उसी से हमें पतले पतले पत्ते टाइप के बेलने हैं और बहुत सारे हो जाएंगे। गाइस मैदा के अंदर मैं हल्का सा रिफाइंड डाल रही हूँ। अब थोड़े थोड़े पानी से हमें इसको गूंदना है। तो गाइस देखिए ये है हमारा जो मसाला मोमोज के अंदर भरने वाला है, और यहाँ पर मैंने मैदा गूंद ली है, और इसे हमें 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। तो गाइस देखिए मैंने इसको ढककर रख दिया है, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो गाइस देखिए मैंने चकला ले लिया है, यहाँ पर बेलन लिया है, अब हम इसके रोल बनाएंगे छोटे छोटे। 10 मिनट हो चुके हैं आटे को। तो गाइस देखिए हमें ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत छोटा सा रोल बनाना है, इसी से पतला करके बेलेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो गाइस देखिए हमें बहुत छोटी छोटी बेलनी है। तो गाइस मैं किचन से बरामदे में आ गई हूँ, क्योंकि किचन में थोड़ा जगह की दिक्कत हो रही थी। तो ये देखिए मैंने सारा सामान यहीं पर रख लिया है, और मैं आराम से यहाँ पंखे की हवा में बैठकर फिर बनाऊँगी, ठीक है, और आपको दिखाती हूँ भरकर। हेलो गाइस, तो देखो मेरी यहाँ पर बहुत छोटी छोटी मैंने रोटियाँ बेली हैं, और यहाँ 2-3 मोमोज भी बनाए हैं, ये देखिए। और ये देखो सार्थक रो रहा है, सार्थक के पापा सार्थक को लेकर नहीं गए अपने साथ, और ये गोलू की वजह से सार्थक रुका है, इस गोलू ने जाने नहीं दिया सार्थक को। और ये देखिए नम्रता जी बैठी हैं, ये मोमोज बनवा रही हैं हमारे साथ। तो गाइस मैं आपको भर के, तो गाइस देखिए हमें थोड़ा थोड़ा रोटी के अंदर भरना है, और इस तरह से पकड़ना है इसको, और इस तरह से इसको हमें मोड़ते हुए आना है। ये देखिए बड़े ही आराम से, ये देखिए ये यहाँ मुड़ गया, हल्का सा इसको हमें घुमा देना है। तो ये देखिए कितना शानदार मोमोज बना है।
तो गाइस देखिए हमारे मोमोज पकने के लिए रेडी हो गए हैं। अब हमें पंखे, मैंने यहाँ मोमोज को स्टीम लगाने के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं इसके ऊपर बांधूंगी ये कपड़ा। तो गाइस देखिए मैंने कपड़ा बांध दिया है और ये बहुत ही बारीक कपड़ा है। अब मैं इसके ऊपर मोमोज को रखूँगी। तो गाइस देखिए मैंने सभी मोमोज को स्टीम लगने के लिए भगोने के ऊपर रख दिया है और हमें इनको 10 से 15 मिनट तक स्टीम देनी है स्लो फ्लेम पर। तो गाइस अगर आप चाहते हैं इनको बिना फ्राई किए तो आप ऐसे भी चटनी के साथ इसको खा सकते हैं, लेकिन मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। देखिए गाइस मैं इसमें फ्राई करके इनको निकाल रही हूँ। तो गाइस देखिए मेरे मोमोज बनकर रेडी हो गए हैं, मैंने इनको फ्राई भी कर लिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने शानदार लग रहे हैं देखने में। और साथ ही इधर मैंने चाय बनाई है तो मैं लेकर जाने वाली हूँ बच्चों के पास। तो गाइस देखा आपने, आज मैंने मोमोज बनाए थे तो मोमोज हमारे रेडी हैं। अब मैं एक आपको खाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ मोमोज लिया, इसके ऊपर डाली चटनी, आहा पानी आ रहा है, इस पर लगाई प्याज। अब इसको खाती हूँ, मगर ये ज़्यादा बड़ा है, मुँह छोटा है। गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, मज़ा आ गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड।